रुपया को जबरदस्त तेजी मिलने वाली है। ये तेजी इतनी ज्यादा होगी कि अमेरिका, रूस और चीन देखते रह जाएंगे। अपने व्यापार के विकास के लिए जो जो गलती इन देशों ने की, भारत ने वो सब ध्यान से और करीब से देखा है। यही कारण है कि भारत संभल कर अपने जबरदस्त प्रदर्शन के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत के रुपया में व्यापार में तेजी लाने के साथ भारत यूपीआई और रुपए को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जा रहा है। इसमें कई देश उसके साथ भी आए, जिसमें अब एक मलेशिया भी शामिल हो गया है। मलेशिया के विदेश मंत्री जामरी अब्दुल कादिर ने कहा कि मलेशिया भारत की यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई प्रणाली और रुपए भुगतान सेवा को स्वीकार करने की दिशा में काम कर रहा है। दोनों देश वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए घरेलू मुद्राओं में व्यापार समझौते पर विचार कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच में ट्रेड को बढ़ाया जाए, इसे लेकर बातचीत जारी है। कादिर ने अपने भारतीय के साथ द्विपक्षीय सहयोग आयोग बैठक की अध्यक्षता के बाद बताया कि दोनों देश रक्षा और सुरक्षा सहयोग को बढ़ाने के तरीके तलाश रहे हैं, जिसमें रक्षा उद्योगों के बीच सहयोग, सैन्य कर्मियों का परीक्षण और संयुक्त अभ्यास शामिल है। उन्होंने कहा कि जॉइंट कमीशन की बैठक 12 साल के अंतराल के बाद हुई है। दोनों पक्षों ने सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक उत्पाद, फिनटेक, हरित प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों में सहयोग के नए क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है। विदेश मंत्री के रूप में पहली बार नई दिल्ली का दौरा करने वाले कादिर ने मलेशिया को हाल की कमी से उभरने में मदद करने के लिए 1,70,000 टन गैर बासमती सफेद चावल की आपूर्ति के लिए भारतीय पक्ष को धन्यवाद भी दिया। भारत दौरे के दौरान मलेशिया के विदेश मंत्री ने बताया कि बैंक नेगारा मलेशिया यूपीआई स्वीकार करने की दिशा में काम कर रहा है। ये एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा, मलेशिया को भी भारत की रुपए भुगतान सेवा से कोई समस्या नहीं है। दोनों पक्षों को केवल तकनीकी पहलुओं और सॉफ्टवेयर के माध्यम से काम करने की जरूरत है, जिसके लिए दोनों देश मिलकर काम करने के लिए भी तैयार हैं। दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए मलेशिया का रुपए और यूपीआई को बढ़ावा देने का समर्थन करना भारत के लिए बड़ी बात है। बता दें, मलेशियाई विदेश मंत्री ने अपने समकक्ष विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर से मुलाकात के दौरान दोनों देशों की आपसी साझेदारी को मजबूत करने की भी उम्मीद जताई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।